उत्तर प्रदेश पुलिस लड़कियों से छेड़खानी करने वालों से सख्ती से निपटती है, बावजूद इसके सड़क छाप मजनू बाज नहीं आते। लड़कियों को परेशान करने में ऐसे सड़क छाप मजनुओं को न जाने क्या मजा आता है कि पुलिस के डंडे के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला सामने आया है ग्राम गगरपुर का, जहां की दो युवतियों ने बताया कि सरे बाजार एक लड़का उसका पीछा करता है, उस पर फब्तियां कसता है और हद तो तब हो गई जब बाइक से वो पीछा करते हुए लड़कियों के गांव तक पहुंच गया। गगरपुर ग्राम के पास उस सड़क छाप मजनू ने एक पर्ची पर अपना फोन नंबर लिखकर लड़की को देने की कोशिश की और कहा कि इस नंबर पर फोन कर लेना। लड़कियों ने बताया कि पहले भी ये आदमी उन पर गंदे कमेंट करता था और बार बार परेशान करने से बाज नहीं आता था। हालांकि जब वो सड़क छाप मजनू लड़कियों का पीछा करते हुए अपने बाइक से गांव तक पहुंच गए तो लड़कियों ने शोर मचाकर अपने भाई को बुला लिया। यह देख एक लड़का तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन गांव के लोगों ने बमुश्किल दौड़कर उस एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। जानकारी चौंकाने वाली थी। लड़कियों का पीछा करने वाला ये सड़क छाप मजनू 3 बच्चों का बाप निकला। उसने अपना नाम राजा, मोहल्ला ब्रह्मनान अमर शहीद इंटर कॉलेज के पीछे थाना बेवर का रहने वाला खुद को बताया। भीड़ को इकट्ठा देख रास्ते में चल रहे लोग भी वहां जमा हो गए। मजमा लग गया। इस दौरान उस सड़क छाप मजनू जिसने अपना नाम राजा बताया, उसकी पत्नी भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि उसकी पत्नी इस बात से नाराज होने के बजाय पति के पक्ष में वकालत करने लगी, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि सुनील पाल ने घटना की पूरी जानकारी थाने में दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशिक मिजाज मजनू से थोड़ी सख्ती क्या बरती, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्या नंबर दो तो है तो क्या दिन ये चक्कर लगा आज पहली दफा उसने बताया है? ये तो पहली दफा और जहाँ से पहले कहा सब पता चल गया। चलाए भाई कितनी बार इसके पीछा किया? एक बार। क्या किया था? कौन सा नंबर दिया था? कौन सा नंबर दिया जल्दी बता दे। मोबाइल नंबर दिया था? क्या कहा था लड़की से? कुछ नहीं कहा था, कहा था नंबर उठा लेना। नंबर उठा लेना कौन सी जगह पे? वहाँ पे दिया था नंबर। कौन सी जगह पे? वहाँ पे दिया था। तुम्हारा क्या नाम है? राजा। किस मोहल्ले के निवासी हो? ब्रह्मनान मोहल्ले। ब्रह्मनान मोहल्ले। फिर लड़की कहाँ की थी? लड़की यहाँ की, गुजरपुर की। मार्केट गए थे भैया। हाँ। मार्केट से वापस आ रही थी, ये मिला मुझे, ये बार बार हमारे हम लोगों के पीछे आ रहा था और फालतू की जगह फालतू कमेंट कर रहा था, तो आज इसने लिमिट क्रॉस कर दी। ये हम लोग यहाँ गांव की रास्ता है, ये मंदिर बना हमारा, वहाँ पे ये आया और ये नंबर फेंक के चला गया। फिर ये मेरी फ्रेंड है, इसके भाई है, मैंने हम लोगों लो को सारा मैटर बताया, हम लोगों ने पकड़ा। ये कहाँ का रहने वाला है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी कहाँ का है मैंने कभी इसे नहीं देखा। अरे तुम लोग कहाँ आते जाते थे? मैं मार्केट गई थी ना अपने कॉलेज। अच्छा अच्छा, तुम बता दो क्या बात है। वहीं गए थे कॉलेज में अपनी मार्कशीट लेने। हाँ। और आज तो ये पहले तो इसे मिला होगा, मैं तो कभी गई नहीं ना, मैंने उसे देखा और आज तो इसका नंबर फेंका, फिर मैंने अपने भैया से ही उठवाया। भैया क्या नाम है? अजय कुमार। अच्छा तो ये रास्ते में पर्चा फेंक रहा था? इसने पर्चा फेंका और ये बोला इसे उठा लेना। अच्छा ये कहाँ का रहने वाला है? कभी नहीं देखा पहले, आज पहली बार ही देखा है। अच्छा ये कितने दिन से चक्कर लगा रहा है? मुझे नहीं पता, ये इसको इसके पता पहले एक बार ही हुआ था, कभी पीछे नहीं आ जाओ गए थे मार्केट, तब इसी ने वहाँ पे बोला था, कोई लड़का था उसे सुना के इसने बोला यार नंबर ले ले, तो मैंने इसकी बात को सुनकर इग्नोर कर दिया, मैंने सोचा एक कुत्ता इसके साथ क्या मतलब बदतमीजी। तो आज किस जगह पकड़ लिया ये? ये मंदिर के आगे था, वहाँ पे नंबर फेंका, वहाँ पे मेरी फ्रेंड है, इसके भाई आए, तो हम लोग उनको सारा मैटर बताया, उन्होंने इसे यहाँ पे बोला ये भागा जा रहा था। देवर का यहाँ क्या लेना था? कुछ भी सर। हाँ क्या लेना था सही बता। नंबर देने आए। किसको? कौन सी लड़की है? उधर क्या नाम है? लोग
हम नहीं बोले, मेरे आदमी गलती है। आप जो ये काम करें बहुत गलत काम है। आप इधर जाके वीडियो बना के जाके हम आपसे इच्छे से बात कर रहे हैं, आपसे इच्छे से बात कर रहे हैं। ऐसे आपने झूला मारना और काम कैसे करें तो हम बता रहे हैं। आपका क्या काम है? आप जाओ उधर, तुम्हारा कोई काम नहीं है। मतलब तो जाते वहाँ नहीं पहुँचे। चोरी एक सीना चोरी है, ये सीना चोरी वाली बात क्या है? आप लोग से नहीं कह रहे? नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम्हारी यही एक बात है, एक तो चोरी है, एक तो सीना चोरी है। क्या हो रहा है? लड़के की इज्जत खराब है, उनका काम है। लड़की का इज्जत नहीं सरकार की, पता नहीं लड़की ने कुछ तो इशारा कर लिया। अगर लड़की इशारा करती तो जो बात ही नहीं होती है।